नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। हर तरफ युद्ध का माहौल है और हर तरफ लोगों की मौत हो रही है। हर देश अपने पड़ोसी दूसरे देश को अपनी शक्ति से डराना चाह रहा है और डरा भी रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम मिटा देंगे। इसी बीच अब शक्तिशाली और चालाक देश परमाणु बम से बचने के लिए परमाणु सिटी बना रहे। भारत के बारे में भी इसी तरह एक खुफिया खबर छपी है कि भारत परमाणु बम से अपने लोगों को बचाने के लिए एक गुप्त शहर बना रहा है। अमेरिका के एक जर्नल में छपी खबर के मुताबिक भारत एक गुप्त परमाणु सिटी, सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी का निर्माण कर रहा है, जो कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेरे गाँव में कर रहा है। अमेरिकी जर्नल का दावा है कि इस गुप्त परमाणु सिटी का निर्माण 2012 में शुरू हुआ था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि भारत में अभी 90 से 110 के बीच परमाणु हथियार मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का अनुमानित भंडार 120 है। चीन के पास 260 के लगभग परमाणु हथियार मौजूद है। चीन ने सफलतापूर्वक एक थर्मो न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया, जिसमें दो चरणों में विस्फोट होता है। इस कारण ये ज्यादा घातक माना जा रहा है। चीन ने एक स्टेज में विस्फोट करने वाले थर्मो न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण 1967 में किया था। जैसा कि सभी को पता है कि भारत के आसपास परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। इस हालत में भारत अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय अवश्य करेगा। अमेरिकी जर्नल का दावा है कि इस गुप्त सिटी को वैमानिकी परीक्षण रेंज कहा जा रहा है। इसका संचालन DRDO द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि परमाणु वैज्ञानिक चुपके चुपके यहां दिन रात काम कर रहे हैं। मैगजीन का दावा है कि भारत इस फैसिलिटी का उपयोग थर्मो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कर रहा है। अमेरिकी जर्नल ने भारत के गुप्त परमाणु सिटी के निर्माण के बारे में खबर तब छापी जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया कि भारत में एक ऐसी संरचना का निर्माण दिख रहा है जो कि देखने में किसी परमाणु संयंत्र के आकार जैसा है। रिटायर्ड भारतीय सरकारी अधिकारियों और लंदन और वॉशिंगटन में बैठे स्वतंत्र विशेषज्ञों की माने तो इस सीक्रेट सिटी को बनाने के पीछे भारत का उद्देश्य समृद्ध यूरेनियम ईंधन का एक अतिरिक्त भंडार इकट्ठा करना है, जिसका उपयोग नए हाइड्रोजन बमों में किया जा सकता है, जिन्हें थर्मो न्यूक्लियर हथियार भी कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना में उपमहाद्वीप के सबसे बड़े सैन्य संचालन वाले परमाणु केंद्रों, परमाणु अनुसंधान प्रयोगशालाओं, परमाणु हथियार और विमान परीक्षण की सुविधाएं शामिल होंगी। इस प्रकार इस परियोजना के उद्देश्यों में परमाणु अनुसंधान का विस्तार, भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन का उत्पादन और नई पनडुब्बियों के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व परमाणु प्रमुख जॉन कार्लसन के मुताबिक भारत उन तीन देशों में से एक है जो परमाणु हथियारों के लिए छद्म सामग्री तैयार करते हैं। भारत के थर्मो न्यूक्लियर प्रोग्राम का विस्तार होने के साथ ये यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और चीन जैसे देशों की बराबरी कर लेगा जिनके पास थर्मो न्यूक्लियर हथियार। आखिर में ये बताना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस तरह की किसी भी गुप्त परमाणु सिटी के निर्माण की बात का खंडन किया। वास्तव में सच्चाई क्या है, इसके बारे में सटीकता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता।